मैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह एक जनरल सर्जन हूँ जो संभल शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, और सबसे पहले मैं पैथकाइन टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उनके इस नेक कदम की सराहना करता हूँ जो उन्होंने जन जागरण के लिए उठाई है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को माइको ट्यूबरकुलोसिस टीबी जैसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और पशुओं से भी व्यक्तियों में फैल सकती है। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा सोशल मिनास है, समस्या है। इसमें सरकार के बहुत पैसे खर्च होते हैं, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा लोड होता है, समाज के ऊपर लोड पड़ता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है, और एक तरह से जिस समाज में होता है पूरा समाज ही बीमार हो जाता है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा ये कैसे फैलती है। तो इन्फेक्शस डिजीज़ है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम है, ये इसके द्वारा फैलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो मोस्ट कॉमन है, ये ह्यूमन स्ट्रेन है। इसके अलावा कुछ पशुओं की टीबी है जो भी इंसान में हो सकती है, तो उसके 6-7 बैक्टीरिया हैं वो ट्यूबरकुलोसिस फैलाते हैं। तो ज़्यादातर जो पशुओं द्वारा फैलाई जाती है वो आंतों में होती है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो सबसे ज़्यादा फेफड़ों में असर करती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग को वो प्रभावित कर सकती है। जैसे ब्रेन में ट्यूमर मेनिंजाइटिस कर सकती है, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन में इन्फेक्शन होने से ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ट्यूबरकुलर पाइलोनेफ्राइटिस और किडनी के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, सिस्टाइटिस पूरे जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, औरतों में बांझपन पैदा कर देती है, नले ब्लॉक हो जाते हैं तो वो वहाँ भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिस जो इस बीमारी से प्रभावित, इन्फेक्शन से प्रभावित नहीं होता है और मरीज को नुकसान नहीं करता है। इसके इलाज के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी पूरी तरह क्योरेबल है, बशर्ते कि इसकी दवा पूरी ड्यूरेशन तक खाई जाए। साधारणतः 9 महीने का कोर्स होता है फेफड़ों की टीबी का। अगर किसी और जगह होती है आंतों में या है, तो उसको 1.5-2 साल तक भी खींचा जा सकता है ट्रीटमेंट को एज़ पर रिक्वायरमेंट। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार किसी टीबी के मरीज ने दवा शुरू की तो वो डॉक्टर से लगातार मिलते रहें और महीने महीने में चेकअप कराएं और उसको नियमित रूप से खाएं, तो वो पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि जो 1 महीना 15 दिन दवा खाई, फिर 2 दिन नहीं खाई, या आधी दवा खाई आधी फेंक दी, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हानिकारक समाज के लिए, क्योंकि वो खुद तो मरते हैं लेकिन समाज में औरों को भी मारते हैं। कारण यह है कि अगर इनरेगुलर ATT खाई जाए तो दूसरी तरह की खतरनाक TB पनप के आई है जिसका नाम है MDR TB। MDR TB मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट TB। इस TB में जो कॉमन दवाइयाँ TB की दी जाती है वो असर नहीं करती हैं, और ऐसे मरीज और भी जब बिगड़ते हैं तो वो इवन XDR TB में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लगभग लाइलाज स्टेज है। इसमें मरीज बहुत ही कम बचते हैं, मौत की तरफ चले जाते हैं। तो मेरी पूरे समाज से और उन व्यक्तियों से जो TB से संक्रमित हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि एक बार वो डॉक्टर की सलाह लें, एक बार कंफर्म होने पे पूरी नियमित 9 महीने का जैसा डॉक्टर बताए वो पूरा कोर्स करें। कुछ दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे लीवर में इन्फेक्शन करते हैं तो वो डॉक्टर रेगुलरली उनको बुलाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे 1 महीने के अंदर। तो कुछ दवा रिफैम्पिसिन जैसी दवा है जो लीवर में सूजन पैदा करती है, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होती है वो उसमें स्विच कर देते हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि दवा रेगुलर खाएं, डॉक्टर की सलाह लेते रहें और समाज को बचाएं। धन्यवाद।